दोस्तों, अगर शेर और एनाकोंडा जैसा विशालकाय अजगर आमने सामने आ जाए तो इन दोनों में से कौन जीतेगा? शेर, जो जंगल का राजा है, या फिर एनाकोंडा, जो पृथ्वी पर मौजूद सबसे विशालकाय सांप है? आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे शेर ज्यादा ताकतवर है या एनाकोंडा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल जरूर करें ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो आइए जान लेते हैं लायन वर्सेस एनाकोंडा, हु विल विन। दोस्तों, शेर, जिसे जंगल का राजा माना जाता है, ये एक कैट की प्रजाति का जानवर है। बड़े आकार की बिल्लियों में शेर की ही प्रजाति ऐसी है जो झुंड में रहती है। इनके झुंड को प्राइड कहा जाता है। ये झुंड में रहकर अपने एरिया की रक्षा करते हैं और मिलकर शिकार करते हैं। ज्यादातर शिकार शेरनियां ही करती हैं और शेर ज्यादातर समय आराम फरमाते हैं। एक शेर 16 से 20 घंटे आराम ही करता है। शेर को अपने मेन के लिए और दहाड़ के लिए जाना जाता है। जंगल के सभी जानवरों में शेर की दहाड़ ही सबसे लाउड मानी जाती है। करीब 8 किलोमीटर दूर तक एक शेर की दहाड़ सुनाई देती है। शेर दिन के मुकाबले रात के समय में ज्यादा एक्टिव होते हैं। लेकिन अगर हम शेर और बाघ में तुलना करें तो इनमें से कौन ज्यादा शक्तिशाली होता है? बाघ भी कैट की ही प्रजाति का जानवर है। ये कैट प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर है, यानी कि ये आकार में शेर से भी बड़ा होता है। एक बाघ की लंबाई 390 सेंटीमीटर जितनी होती है तो शेर 210 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं। शेर का वजन 225 किलो तक हो सकता है, तो एक बाघ 300 किलो से भी ज्यादा वजन वाला होता है। और फुर्ती के मामले में भी बाघ शेर से ज्यादा ताकतवर होता है। शेर ज्यादातर झुंड में रहना पसंद करते हैं, लेकिन बाघ हमेशा अकेला ही घूमता है और अकेले ही शिकार करता है। प्राचीन काल से ही बाघ और शेर के बीच में लड़ाई के खेल चले आ रहे हैं और इसमें देखा गया है कि बाघ ज्यादातर समय शेर को हरा देता है। 2010 में तुर्की के अंकारा जू में एक बाघ ने एक ही पंजा मारकर शेर की जान निकाल दी थी। बाघ के पंजे के वार से शेर के गर्दन की एक धमनी फट गई थी और बहुत सारा खून बहकर उसकी जान चली गई। ये घटना उस समय काफी चर्चा में थी। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि एक बाघ ने दो शेरों को मौत के घाट उतार दिया है, लेकिन बाघ कभी शेर पर हमला नहीं करता क्योंकि शेर झुंड में घूमते हैं। इसी कारण शेर के झुंड के खिलाफ बाघ का जीतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन 1-to-1 फाइट में एक बाघ शेर को आसानी से हरा सकता है। अब बात करते हैं शेर और एनाकोंडा की। देखते हैं इन दोनों में से कौन किसको हरा सकता है। एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा एक मादा एनाकोंडा है जो 28 फीट लंबी है और इसका वजन 280 किलो है। भले ही इनके पास जहर नहीं होता, लेकिन ये किसी भी जानवर को दबोचकर उसकी जान निकाल देता है। इससे आप ये सोच रहे होंगे कि एनाकोंडा किसी शेर को बड़ी आसानी से दबोचकर मार डाल सकता है। अगर शेर की बात करें तो शेर के पास भी एक खतरनाक हथियार होता है और वो हथियार है उसके खतरनाक पंजे और उसके बड़े बड़े नाखून, जो किसी भी एनाकोंडा की खाल को आसानी से फाड़ सकते हैं और इससे एनाकोंडा की जान भी जा सकती है। साथ ही एनाकोंडा भारी वजन वाले होने के कारण जमीन पर तेजी से मूव नहीं कर पाते और इसका फायदा शेर को हो सकता है। लेकिन पानी में एनाकोंडा शेर पर भारी पड़ सकता है। पानी में एनाकोंडा शेर से ज्यादा तेजी से मूव कर सकता है और पानी में शेर को हमला करने में मुश्किल हो सकती है। वैसे देखा जाए तो एनाकोंडा गाय के बछड़े, हिरन, चीते जैसे जानवरों को आसानी से अपना शिकार बना सकता है, लेकिन शेर के साथ मुकाबला करना एनाकोंडा को भारी पड़ सकता है। शेर के लंबे नाखून एनाकोंडा की खाल को आसानी से फाड़ देंगे और इससे एनाकोंडा मर सकता है। अगर शेर एनाकोंडा को आसानी से हरा सकता है तो बाघ भी एनाकोंडा को हरा ही देगा। तो दोस्तों, आज हमने देखा शेर और एनाकोंडा में शेर एनाकोंडा पर भारी पड़ेगा। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में आप कौन से दो जानवरों की फाइट देखना पसंद करेंगे हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।